नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर महाजरी हुए हैं। दर्शकों, आज का वीडियो बड़ा मोटिवेशनल है, बड़ा प्रेरणादायक है और बड़ा शिक्षाप्रद है। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी 10 पवित्र पक्षी। ये पवित्र पक्षी जब भी जाते हैं, जिस घर में जाते हैं, लक्ष्मी को साथ लेकर के जाते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म में इन 10 पवित्र पक्षियों को बहुत माना जाता है, क्योंकि ये 10 पक्षी कोई ऐसे वैसे पक्षी नहीं है। दर्शकों, ये पक्षी जब भी किसी घर में जाते हैं तो माँ लक्ष्मी को साथ लेकर के जाते हैं। ये पक्षी उसी घर में जाते हैं जिस घर का भाग्य उदय होना होता है, अन्यथा ये पक्षी किसी घर में नहीं जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में भी इन 10 पक्षियों में से कोई एक पक्षी भी अगर आपके घर आ जाए तो प्रिय दर्शकों, आप माला माल हो जाएंगे। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको करोड़पति बनने से रोक ले। प्रिय दर्शकों, इस बात को हमने स्वयं अजमा करके देखा है, क्योंकि ये 10 पक्षी उसी घर में जाते हैं जिस घर का भाग्य उदय होना होता है। प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म में संपूर्ण पशु पक्षी और वृक्षों को मानव अस्तित्व की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। प्रिय दोस्तों, इनमें से भी कुछ वृक्ष और पशु पक्षी ऐसे हैं जिनके नहीं होने से मानव का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। इनके अलावा हिंदू धर्म में हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने कि कौन से पक्षी में क्या रहस्य छुपा हुआ है और इन पावन पवित्र 10 पक्षियों का हमें सम्मान करना चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए। प्रिय दोस्तों, इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सब। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का ये प्यारा सा प्रसंग और बताते हैं आपको कि ये 10 पक्षी ऐसे कौन से पक्षी हैं जो बहुत ही शुभ होते हैं और जब भी ये किसी घर में आते हैं तो खुशियां ही खुशियां लेकर के आते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहला पक्षी है हंस। हंस के बारे में कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो उसे कहते हैं कि इसने हंस पद प्राप्त कर लिया है, और जब कोई समाधिस्थ हो जाता है तो कहते हैं कि परमहंस हो गया है, परमहंस सबसे बड़ा पद माना गया है। प्रिय दर्शकों, सभी पक्षियों में हंस एक ऐसा पक्षी है जहां देव आत्माएं आश्रय लेती हैं। प्रिय दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हंस उन आत्माओं का ठिकाना है जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं और उन्होंने यम नियम का पालन किया है। कुछ काल तक हंस योनि में रहकर आत्मा अच्छे समय का इंतजार कर पुनः मनुष्य योनि में लौट आती है, या फिर वे देवलोक में चली जाती है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की माने तो हंस पक्षी प्यार और पवित्रता का प्रतीक होता है। प्रिय दर्शकों, ये पक्षी बहुत ही विवेकी पक्षी माना गया है। प्रिय दर्शकों, आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य के निश्वास में हन और श्वास में से ध्वनि सुनाई पड़ती है। मनुष्य का जीवन क्रम ही हंस है, क्योंकि इसमें ज्ञान का अर्जन संभव है। अतः हंस ज्ञान विवेक कला की देवी सरस्वती का वाहन है, और ये पक्षी अपना ज्यादातर समय मान सरोवर में रहकर ही बिताता है, या फिर किसी एकांत झील में या फिर किसी समुद्र में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है। दर्शकों, ये पक्षी दाम्पत्य जीवन के लिए एक आदर्श है। प्रिय दर्शकों, ये पक्षी बहुत समझदार होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, और अपने संपूर्ण जीवन काल में यानी कि जीवन भर एक ही पार्टनर के साथ रहता है। यदि दोनों में किसी भी एक पार्टनर की मौत हो जाए तो दूसरा अपना पूरा जीवन अकेले ही गुजारता है।
जंगल के कानून की तरह इसमें मादा पक्षियों के लिए लड़ाई नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, ये पक्षी आपसी सूझबूझ के बल पर ये अपने साथी का चयन करते हैं। इनमें पारिवारिक और सामाजिक भावनाएं पाई जाती हैं। सफ़ेद रंग के अलावा काले रंग के हंस ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म में हंस को मारना अर्थात पिता, देवता, गुरु को मारने के समान है। ऐसे व्यक्ति को 3 जन्म तक नरक में रहना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, इसीलिए हंस बहुत शुभ होता है। अब आता है दूसरा पक्षी। प्रिय दर्शकों, दूसरा पक्षी मोर कहा गया है। मोर पक्षियों का राजा माना जाता है। वह शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन है। भगवान कृष्ण के मुकुट में लगा मोर पंख इसी पक्षी के महत्व को दर्शाता है। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। प्रिय दर्शकों, मोर की 2 प्रजातियां होती है। नीला भारतीय मोर, जिसे पैवो क्रिटेटस भी कहा जाता है, जो भारत और श्रीलंका भूतपूर्व सिलोन में पाया जाता है। हरा या जावा का मोर, जिसे पैवो म्यूटिक्स कहा जाता है, जो म्यांमार भूतपूर्व बर्मा से जावा तक पाया जाता है। प्रिय दर्शकों, अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को मारना या खाना महापाप समझा जाता है। मोर की उम्र 25 से 30 वर्ष की होती है, इसलिए मोर बहुत शुभ होता है। प्रिय दर्शकों, अब आता है पक्षी नंबर 3। तीसरे नंबर में कौवा कहा गया है। कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। कौवा लगभग 20 इंच लंबा गहरे काले रंग का पक्षी है, जिसके नर और मादा एक ही जैसे होते हैं। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जिस किसी दिन कौवे की मृत्यु हो जाती है, उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है, उसका शोक मनाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि कौवा अकेले में भी भोजन कभी नहीं खाता। वह किसी साथी को साथ ही मिलकर या बांटकर भोजन ग्रहण करता है। कौवा बगैर थके मीलों उड़ान भर सकता है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में यह भी लिखा है कि कौवे को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है, क्योंकि कौवे में वो दिव्य शक्तियां होती हैं, जो कि भूत, भविष्य, वर्तमान का पहले से ज्ञान होता है। प्रिय दर्शकों, श्राद्ध पक्ष में कौवे को बहुत महत्व माना गया है, और इस पक्ष में कौवे को भोजन करवाना अर्थात अपने पितरों को भोजन करवाना माना जाता है, इसीलिए कौवा भी बहुत शुभ होता है। प्रिय दर्शकों, अब आता है नंबर 4 का पक्षी। नंबर 4 में उल्लू को कहा गया है। उल्लू को लोग अच्छा नहीं मानते हैं, उससे डरते हैं, लेकिन ऐसी गलत धारणा है। उल्लू पक्षी माँ लक्ष्मी का वाहन है। उल्लू का अपमान करने से लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। प्रिय दर्शकों, हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि उल्लू समृद्धि और धन लाता है। प्रिय दर्शकों, उल्लू के डरावने लुक के कारण कुछ लोग उल्लू से डरते भी हैं, और कुछ लोग उल्लू को मूर्ख कहते हैं, जिनके उल्लू जैसे मुंह होते हैं, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। प्रिय दर्शकों, भारतवर्ष में प्रचलित लोक विश्वासों के अनुसार भी उल्लू का घर के ऊपर छत पर स्थित होना तथा शब्दोच्चारण निकट संबंधी अथवा परिवार के सदस्य की मृत्यु का सूचक समझा जाता है। सचमुच उल्लू को भूत, भविष्य और वर्तमान में घट रही घटनाओं का पहले से ही ज्ञान होता है। प्रिय दोस्तों, उल्लू निरव उड़ान भरने में बहुत पारंगत होता है, अर्थात पंखों की पड़पड़ाहट या आवाज किए बगैर ही ये मीलों उड़ान भर सकता है। उल्लू की आंखें रात में दूर तक देखने की क्षमता रखती हैं। ये प्राणी दिन में सोता है और रात में जागता है। प्रिय दोस्तों, उल्लू की श्रवण शक्ति भी तीव्र होती है, और ये भी कहा जाता है कि उल्लू ऊपर उड़ान भरते वक्त नीचे चूहे की आवाज तक सुन लेता है। उल्लू की सिर घुमाने की योग्यता भी अद्वितीय है, क्योंकि वे लगभग
170 अंश तक अपना सिर घुमा सकता है, अर्थात अपना सिर घुमाकर अपने पीछे को देख सकता है, ठीक पीछे को देख सकता है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की माने तो लिंग पुराण में नारद मुनि को मानसरोवरवासी उल्लू के संगीत शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपदेश दिया गया था। प्रिय दर्शकों, इस उल्लू की हूं हूं की संगति स्वरों में निकलती है। वाल्मीकि रामायण में उल्लू को मूर्ख के स्थान पर अत्यंत चतुर कहा गया है। रामचंद्र जी जब रावण को मारने में असफल होते हैं और जब विभीषण उनके पास जाते हैं, तब सुग्रीव राम से कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, आपको शत्रु की उल्लू की चतुराई से बचकर रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ऋषियों ने गहरे अवलोकन तथा समझ के बाद ही उल्लू को श्री लक्ष्मी का वाहन बनाया था, इसीलिए उल्लू बहुत शुभ होता है। प्रिय दर्शकों, अब आता है नंबर 5। नंबर 5 में गरुड़ पक्षी कहा गया है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में पक्षियों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखता है। गरुड़ के नाम पर एक पुराण भी है जिसे गरुड़ पुराण कहा जाता है। ये भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी होता है। प्रिय दोस्तों, गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती है। रामायण में तो गरुड़ का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की सवारी और भगवान राम को मेघनाथ के नागपास से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ के बारे में कहा जाता है कि ये 100 वर्ष तक जीने की क्षमता रखता है, लेकिन आजकल गरुड़ के अस्तित्व पर संकट गहरा आ रहा है। इसीलिए गरुड़ बहुत शुभ होता है और जहाँ भी जाता है माँ लक्ष्मी को श्री हरि विष्णु को साथ लेके जाता है। दर्शकों, यदि आपके घर में कभी भूलवश गरुड़ आके बैठ जाए तो दर्शकों आपका भाग्य तुरंत उदय होगा, बहुत जल्द उदय होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रिय दर्शकों, अब आता है 6 नंबर का पक्षी। 6 पक्षी नीलकंठ को कहा गया है। प्रिय दर्शकों, नीलकंठ को देखने मात्र से भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि नीलकंठ को देखने मात्र से भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। ये पवित्र पक्षी माना जाता है। दशहरा पर लोग इसका दर्शन करने के लिए बहुत ललायित रहते हैं। प्रिय दोस्तों, इस पक्षी का आकार मैना पक्षी के बराबर होता है। इसकी चोंच भारी होती है और वक्ष स्थल लाल भूरा, उदर तथा पूंछ अधोतर नीला होता है। प्रिय दर्शकों, पंख गहरे और धूमिल होते हैं, नीले रंग में होते हैं। ये उड़ान के समय चमकीली पट्टियों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। त्रावणकोर में दक्षिणी भाग को छोड़कर शेष भारत में ये पक्षी खूब पाया जाता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए नीलकंठ पक्षी बहुत शुभ होता है। अब आता है 7वां नंबर का पक्षी। प्रिय दर्शकों, 7वें नंबर का पक्षी तोता कहा गया है। प्रिय दर्शकों, कई लोग तोता को मिट्ठू भी कहते हैं। तोते का हरा रंग बुध ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है, अतः घर में तोता पालने से बुध की कुदृष्टि का प्रभाव दूर होता है। घर में तोते का चित्र लगाने से बच्चों की पढ़ाई में मन लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर को लगाने से पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ती है, साथ ही उनकी स्मरण शक्ति में भी इजाफा होता है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा आपने बहुत से तोते पंडित देखे होंगे जो भविष्यवाणियां करते हैं। तोते के बारे में बहुत सारी कथाएं पुराणों में मिलती है। इसके अलावा जातक कथाओं में, पंचतंत्र की कथाओं में भी तोते का किसी न किसी कथा में शामिल किया गया है। तोता अक्सर तमाशा दिखाने वाले और जादूगरों के पास खूब देखा जा सकता है। ये पक्षी बहुत समझदार होता है। धीरे धीरे मनुष्य की तरह बोलने लगता है, बच्चों की आवाज को पहचानने लगता है, मनुष्य की बोली की नकल बखूबी कर लेता है। तोता एक बार में 4 से 6 अंडे देता है और ज्यादातर पक्षियों की तरह नर व मादा अपनी घरेलू जिम्मेदारी मिलजुल कर निभाते हैं।
अधिकांश प्रजातियां पेड़ की खो में एक बार में 4 से 8 अंडे देती हैं। दर्शकों, इसलिए तोता घर में रखना बहुत शुभ होता है। प्रिय दर्शकों, अब आता है 8वां नंबर का पक्षी। 8वें नंबर में कबूतर कहा गया है। प्रिय दर्शकों, कबूतर को कपोतक भी कहते हैं। ये शांति का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव ने जब अमरनाथ में पार्वती को अजर अमर होने की कथाएं सुनाई थी तो कबूतरों के एक जोड़े ने ये कथा सुन ली थी, तभी से भी अजर अमर हो गए हैं। आज भी अमरनाथ की गुफा के आसपास ये कबूतर देखे जा सकते हैं। बड़े भाग्यशाली लोगों को अमरनाथ की गुफा के आसपास ये कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है। कहा जाता है कि सावन की पूर्णिमा को ये कबूतर गुफा में दिखाई पड़ते हैं, इसलिए कबूतर का महत्व दिया जाता है। पहले के जमाने में कबूतर ही डाकिये का काम करता था। प्रिय दर्शकों, पुराने समय में ही नहीं बल्कि 19वीं सदी के शुरुआत होने वाले पहले विश्व युद्ध तक कबूतर के माध्यम से संदेश भेजा जाता था। प्रिय दर्शकों, अजीब बात है कि कबूतर मीलों तक जाकर ये संदेश देकर पुनः लौट आते थे। प्रिय दोस्तों, बताया जाता है कि होमिंग प्रजाति के कबूतर अपनी जगह से 1600 किमी आगे उड़कर जाने पर भी रास्ता भटके बिना वापस अपने स्थान पर आ जाते थे। प्रिय दर्शकों, कबूतर की उड़ने की रफ्तार की क्षमता 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो कि संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। प्रिय दर्शकों, इस पक्षी के बारे में वैज्ञानिक बताते हैं कि ये कबूतर सूर्य की दिशा, गंध और पृथ्वी के चुंबक तत्व से वापस लौटने की दिशा तय कर लेते थे। प्रिय दर्शकों, अब आता है 9वां पक्षी। 9 नंबर में बगुला पक्षी को कहा गया है। आपने कहावत सुनी होगी कि बगुला भगत अर्थात ढोंगी साधु। धार्मिक ग्रंथों में बगुलों से जुड़ी अनेक कथाओं का उल्लेख मिलता है। पंचतंत्र में एक कहानी है बगुला भगत। बगुला भगत पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। प्रिय दर्शकों, बगुले के नाम पर एक देवी का नाम भी है जिसे बगला मुखी कहते हैं। प्रिय दोस्तों, बगुला ध्यान भी होता है, अर्थात बगुले की तरह एकटक ध्यान लगाना। बगुले के संबंध में कहा जाता है कि ये जिस भी घर के आसपास किसी वृक्ष आदि पर रहते हैं वहां शांति रहती है और किसी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, अब आता है आखिरी और 10वां पक्षी। 10वां पक्षी गौरैया कहा गया है। प्रिय दर्शकों, गौरैया एक छोटी चिड़िया होती है। ये हल्की भूरे रंग या सफेद रंग की होती है। इसके शरीर पर छोटे छोटे पंख होते हैं, पीली चोंच व पैरों का रंग पीला होता है। हर गौरैया की पहचान उसके गले के पास काले धब्बे से होती है। 14 से 16 सेमी लंबी ये चिड़िया मनुष्य के बनाए हुए घरों के आसपास रहना पसंद करती है। प्रिय दर्शकों, भारतीय पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये चिड़िया जिस भी घर में या उसके आंगन में रहती है वहाँ सुख शांति बनी रहती है। कुसिया उनके द्वार पर हमेशा खड़ी रहती है और वो घर दिनों दिन तरक्की करता रहता है। इसके अलावा भी हिंदू धर्म में ऐसे और भी पक्षी हैं जिनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। प्रिय दर्शकों, पक्षियों को हिंदू धर्म में देवता और पितर माना गया है। कहते हैं जिस दिन आकाश में पक्षी लुप्त हो जाएंगे उस दिन धरती से मनुष्य भी लुप्त हो जाएंगे। किसी भी पक्षी को मारना बहुत बड़ा पाप होता है और ये भी कहा जाता है कि पक्षियों को मारना यानी कि अपने पूर्वजों को मारना, अपने माता पिता को मारना, अपने पितरों को मारना, अपने देवी देवताओं को मारना माना जाता है। प्रिय दर्शकों, ग्रंथों में लिखा गया है और कहा गया कि जो लोग पक्षियों को मारते हैं वो लोग सदा सदा के लिए गरीब बनकर रह जाते हैं। उन लोगों का भाग्य कभी उदय नहीं होता। उनके घर के देवी देवता हमेशा उन लोगों से रुष्ट होते हैं। इसलिए
कभी भी किसी पक्षी को नहीं मारना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये थे 10 शुभ और पवित्र पक्षी जो जिस घर में जाते हैं उस घर का भाग्य उदय हो जाता है, उस घर की दिनचर्या बदल जाती है। दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।